ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। आप सभी का संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग में हार्दिक हार्दिक स्वागत और एमपीके फिटनेस क्लासेस कल्याणम योगा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग इन त्रिवेणी संगम के माध्यम से आप सभी को पता है कि दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देते हैं और इस त्रिवेणी संगम में विशेष रूप से जो भी सेवा देते हैं वो बहुत अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में तज्ञ होते हैं। और जो आज की विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है जब्बा हजारिका मैडम जो तिनसुकिया आसाम से, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। जब्बा जी यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम, हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका। बहुत अच्छी योगा ट्रेनर है और बहुत खुद होके कहाँ पे भी सेवा देना चाहती है, ये बहुत उनकी खासियत है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है ऐसे व्यक्ति जब मिलते कि भाई हमें कुछ सेवा का मौका है तो जरूर दीजिए, तो ऐसा भाव होना, ऐसा समर्पण होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनका भी पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी साधक देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत, फेसबुक के जो हमारे साधक जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत, हमारे एमपीके फिटनेस के फाउंडर ऑनरेबल आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे है, उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मुझे लगता है आनंदमल सर कुछ बात रखेंगे और उसके बाद में हम हजारिका मैडम का बिल्कुल आज के क्लास सुनेंगे। आनंदमल सर बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे सेवा भावी जो सेवा देने वाले ट्रेनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नए नए हम ट्रेनरों से हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो ऐसे ही एक ट्रेनर आज हमारे साथ तिनसुकिया आसाम से जवान हजारिका मैडम हमारे साथ जुड़ी है। मैं आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करेंगे तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को सादर प्रणाम। आज की त्रिवेणी संगम में उपस्थित सभी गुरुजनों को, सभी योगा गुरुओं को, सभी योग साधकों को, योग प्रेमियों को नमन वंदन अभिनंदन। आदरणीय आनंद मोल सेठिया सर जी को सादर नमन, आदरणीय राजेंद्र सर जी को सादर नमन। उन्होंने आज आप लोगों के साथ योगाभ्यास करने की मुझे एक मौका दिया, इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए आज आप लोग के साथ, हम भी आप लोग के साथ एक साथ मिलकर सभी योगाभ्यास करेंगे। तो सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, सुविधा अनुसार सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, जो भी आसन में आप लोग कंफर्टेबल हो बैठ जाए, या जमीन में बैठने में जो योग साधक असमर्थ है वो कुर्सी या बिस्तर पे बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने सुखासन में बैठा, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्रभाग को स्पर्श करते हुए ध्यान मुद्रा लगाए, बाकी तीनों अंगुली सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखे, हाथ के हथेली आसमान की ओर, पवित्र मन से पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी गहरी सांस भरे, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा दोनों हाथ छाती के पास लाए, मंत्र पाठ करेंगे। शुद्ध बुद्धि के लिए मंत्र पाठ करेंगे गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। ओम भूरि भुवः
भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनात् मेत्तोर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं कर्वावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा वीदविषावहे। ॐ असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्युर्मामृतं गमयो। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर की ओर करके रगड़े। रगड़ते हुए दोनों गर्म हथेलियों को अपने बंद आंखों पर लगाए। धीरे से आंख खोले, अपने चेहरे पर लगाए। सारे शरीर में अपने गर्म ऊर्जा को फैला दे। अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग करेंगे हाथ और पैर की सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद प्राणायाम और आसन करेंगे। तो सभी दंडासन में बैठ जाएं, अपने पैर को आगे खोल के दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। सांस भरते हुए पैर को आगे की तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ खींचे। सांस भरते हुए आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। इस तरह पैर को आगे पीछे सांस भरते हुए खींचने से जो हमारी पिंडली में दर्द होती है, इसमें राहत मिलती है। इसलिए पैर के पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 टाइम्स रोटेट करें। पहले दाएं से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ा पैर में गेपिंग और एक दोनों पैर को एक साथ टकराएंगे। दोनों पैर को आगे पीछे करेंगे एड़ी को घर्षण करते हुए। इसी प्रकार एड़ी को घर्षण करते हुए आगे पीछे पैर करने से जो हमारे ठान के मसल में एड़ी फटती है, उससे राहत मिलती है। अभी सांस भरते हुए दोनों घुटने को अपने तरफ खींचेंगे, सिर्फ घुटने को। जब घुटना खींचेंगे तब नीचे गैप से महसूस होगी। सांस भरते हुए खींचे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़े। सांस भरते हुए खींचे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़े। फिर से एक बार सांस भरते हुए खींचे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़े। और जैसे कि हम लोग बोतल के ढक्कन खोलते हैं, इसी तरह घुटने को दोनों हाथ से ऐसा घुमाए। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों घुटने को थोड़ा थपथपाएंगे। अभी दोनों पैर में थपथपाएंगे धीरे धीरे। नीचे वे दाएं पैर को बाएं पैर के जगह पर रखेंगे, पैर को हिलाएंगे थोड़ी सी, दाएं पैर को। सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे, सांस भरते हुए पैर को छाती पर लगाएंगे। 2, 3, 4, 5। पैर के पंजे को घुमाएंगे गोल गोल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैर के दोनों हाथ के थंब फिंगर से पैर के नीचे प्रेस करेंगे। पैर के नीचे हमारे पॉइंट रहती है, किडनी, लीवर, हार्ट, आंख आदि का पॉइंट रहती है, तो दबाने से पॉइंट एक्टिव हो जाती है।
फिर दाएं पैर के तले को बाएं हाथ से मसाज करेंगे। पैर को उठाएंगे, जैसे कि हम लोग बच्चे को गोदी में लेते हैं, ठीक इसी तरह लेंगे पैर को और हिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी पैर से करें सेम विधि, बाएं पैर को दाएं जांघे के ऊपर उठाएं और पैर को हिलाएंगे। पैर को सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे, सांस भरते हुए छाती पर लगाएंगे। 2, 3, 4, 5। पैर के पंजे को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ के थंब फिंगर से पैर के नीचे पॉइंट को दबाएंगे। सारे पॉइंट एक्टिव हो जाती है। बाएं पैर के तले को दाया हाथ से मसाज करेंगे। पैर को उठाएंगे, दोनों हाथ से पैर को ज्वाइन करके पैर को पकड़ेंगे और हिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अभी दाएं पैर को फोल्ड करके, सॉरी बाएं पैर को फोल्ड करके दाएं पैर के जांघे के पास टिकाएंगे। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे अपने मस्तक घुटने पे टिकाने की। हाथ की कुंडी जमीन पर रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरी पैर से करें सेम विधि, बाएं पैर को खोलेंगे, बाएं पैर को फोल्ड करके बाएं जांघे के पास टिकाएंगे। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे मस्तक को घुटने से टिकाने की, और हाथ की कोनी जमीन पर स्थिर रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी दोनों पैर को खोलेंगे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, दोनों हाथ से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे मस्तक को कोने में टिकाने की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी पैर को, दाएं पैर को उठाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। दूसरी पैर से करें सेम विधि। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा 5, 4, 3, 2, 1। हाथ के पीछे हाथ रखें। दंडासन में बैठेंगे और कोशिश करेंगे अपने कमर को रोटेट करने। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे मुड़ी हुई, दृष्टि पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम विधि करके दूसरी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी करेंगे हाथों की सूक्ष्म व्यायाम। सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ आगे की तरफ खोले, सांस भरते हुए मुट्ठी बनाएंगे, थंब फिंगर लिटिल फिंगर की मूल भाग में, सांस भरते हुए दबाएंगे मुट्ठी टाइट, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी खोलेंगे। 1, 2, 3,
फाइव, मुट्ठी बनाएंगे और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1, हाथ को आगे की तरफ खोलेंगे, सांस भरते हाथ फोल्ड करेंगे, 1, सांस छोड़ते हाथ को सीधा करेंगे, 2 3 4 5, दोनों साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5, दोनों हाथ की अंगली गर्दन पर रहेगी, कोने सिटी हुई कान के ऊपर से रोटेट करेंगे 5 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1, दोनों हाथ घुटने पे गर्दन की करेंगे एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1, एक हाथ से दूसरे हाथ को कलाई को पकड़ेंगे, ऊपर में उठाएंगे, सांस भरते हुए एक एक साइड खींचेंगे, सांस भरते हुए दाएं साइड खींचा, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए बाएं साइड खींचे, सांस छोड़ते ऊपर, गर्दन के लिए, हाथों के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, पीठ दर्द के लिए बहुत लाभकारी है ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जो भी कर रहे हैं। रिलैक्स, दोनों हाथ को लग करें, सिर के ऊपर दबाएं, सांस भरते दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस भरते दबाया, 1 2 3 4 5, हाथ के पीछे सिर के पीछे दोनों हाथ से दबाएंगे, सांस भरते दबाएंगे, सांस छोड़ते ढीला छोड़ेंगे, सांस भरते दबाएंगे, सांस छोड़ते ढीला छोड़ेंगे, दाएं हाथ से दाएं कान के ऊपर कान पट्टी पर दबाएंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते ढीला छोड़ेंगे, माइग्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत लाभकारी है। चलिए बाएं साइड से करेंगे, 1 2 3, गुड। अभी करेंगे, अभी चलते हैं प्राणायाम की ओर। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, सभी अपने अपने स्थान पर आराम रहित अवस्था में बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा घुटने पर रखें, लंबी सांस भरेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे छाती फूलेगी, सांस छोड़ेंगे छाती चिपक जाएगी, जैसे कि लोहार लोग लोहे के सामान बनाते हैं, धोखने यूज करते हैं, ठीक इसी तरह फूलेगी और चिपकेगी, सांस लेते वक्त सिर्फ छाती फूलेगी, पेट नहीं फूलनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम 3 गति से कर सकते हैं, धीमी गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जो एजेड है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग धीमी गति से ही करें। जो लोग मिडिल एज की है, सामान्य रूप से पीड़ित है, वो मध्यम गति से करें। जो योगी है, यंग है, वो तीव्र गति से करें। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, धीमी गति से करना ही बेटर होगा ज्यादातर। चलिए करते हैं, दुष्प्रमाण में धीमी गति से करें। ये हो गया धीमी गति। मध्यम गति से कैसे करनी है,
गति से कैसे करनी है। जो आप लोग को 3 स्टेज बताया, जो स्टेप स्टेज में आप लोग कंफर्टेबल है उस स्टेज में करें। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर के त्रिदोष नष्ट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाती है। हमारे शरीर के जो विषाक्त पदार्थ है सांसों के साथ बाहर निकल जाती है। हमारे शरीर के रक्त परिशुद्ध करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम नियमित अभ्यास करने से। भस्त्रिका प्राणायाम से सांस संबंधी सारे रोग धीरे धीरे ठीक होने लगती है। दमा, एलर्जी, सांस रोग आदि धीरे धीरे ठीक होने लगती है रोजाना भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से। भस्त्रिका प्राणायाम का राउंड समाप्त हुआ, अभी करेंगे मुख्य प्राणायाम कपाल भाति प्राणायाम। कपाल भाति प्राणायाम कैसे करनी है, सांस को झटके के साथ छोड़ना है और पेट को अंदर की तरफ खींचे, साथ ही सांस लेने के प्रयत्न ना करें, सांस अपने ही आप अंदर चली आएगी। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगानी है, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक और 10 मिनट में 600 स्ट्रोक लगाए जाते हैं। तभी करते जाए कपाल भाति प्राणायाम मुख्य प्राणायाम है। पैर संबंधी सारे रोगों के लिए रामबाण आसन है कपाल भाति प्राणायाम। तभी करते जाए निरंतर भक्ति भाव से करें, आनंद से करें, ईश्वर को शरण करते हुए करें और मन ही मन सोचे झटके के साथ जो हम बाहर सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, हमारे अंदर जितनी भी दुष्ट बीमारी है सारे सांसों के साथ बाहर निकल जा रही है। लेकिन कपालभाति का एक सावधानी है, जिन लोगों की पेट के ऑपरेशन हुआ है, वो जो सीजर ऑपरेशन हुआ है, 6 महीना तक कपाल भाति प्राणायाम का अभ्यास ना करे और लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन में 3 महीना तक कपाल भाति प्राणायाम का अभ्यास ना करे। पुनः तो कपाल भाति स्टार्ट करने के पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट की सहायता सलाह लेकर ही दोबारा स्टार्ट करें। सभी करते जाए कपाल भाति प्राणायाम, मैं बोलते जाऊंगी, मेरे बात आप लोग सुनते जाइए और निरंतर करते जाइए कपाल भाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से हमारे शरीर के 99% रोग ठीक हो जाती है। पेट संबंधी सारे रोग ठीक हो जाती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, भूख ज्यादा लगना या भूख कम लगना सभी समाधान होता है कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति प्राणायाम से हमारे पेट की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी धीरे धीरे घटने लगती है। पेट संबंधी सारे समस्या का तो समाधान है ही, साथ ही शरीर में कोई भी स्थान पर अगर गांठ आ जाए, गांठ मीन्स ट्यूमर, कपाल भाति प्राणायाम करने से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आजकल ज्यादातर महिलाओं को रिस्ट की समस्या होने लगी है जो यूट्रस में होता है, तो इसलिए कपाल भाति प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करने से रिस्ट का समस्या भी समाधान होगी। जिन लोगों की बाल ज्यादा झड़ती है, कपाल भाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से बाल झड़ना कमती हो जाती है और कमती उम्र में जो बाल सफेद होते हैं उसका समस्या भी समाधान होते हैं। बाल में जो रूखापन आती है उसमें भी सुधार आती है कपालभाति प्राणायाम से। और थोड़ा टाइम करें कपालभाति प्राणायाम, मेरा बात सुनते जाइए, आप लोग तो निरंतर करते जाइए। जैसे कि हमारे शरीर में 72 करोड़ नर्स नाड़ी है, इसमें से मुख्य नाड़ी कौन कौन सी है, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, इसके बारे में बताऊंगी मेडिटेशन में। और हमारे सारे नर्स नाड़ी का जंक्शन है हमारे नाभि, इसलिए सुबह सॉरी रात को सोते वक्त नाभि में 2 ड्रॉप प्योर सरसों का तेल डाले तो अमृत जैसी काम करती है। और अगर प्योर सरसों का तेल ना हो तो कोकोनट ऑयल में थोड़ी सी नीम का तेल मिला ले, मिलाकर रखे, मिश्रण बना के रखे और रात में सोते वक्त 2 ड्रॉप नाभि में तेल डाल के 2 मिनट लेटे रहे,
पीठ के बल फिर बाएं साइड करवट लेके सो जाइए, देखिएगा अमृत जैसे काम करती है। जैसे कि रावण ने अपने नाभि पर अमृत कलश से दो चार बूंद अमृत अपने नाभि पे छिपा के रखे थे, उनको कितना स्ट्रांग थे वो। हमें तो अमृत मिलने वाला है ही नहीं, फिर भी वो जो हम तेल डालते हैं वही हमारे शरीर में अमृत का काम करती है। फुट फटना, एड़ी फटना, ठंड के मौसम में ये सब में राहत मिलती है। और हमारे शरीर में तीन मुख्य नाड़ी है, सात चक्र है और नौ द्वार है। नौ द्वार कौन कौन सी है? दो आंख, दो कान, दो नासिका छिद्र, एक मुंह, एक मूत्रमार्ग, एक मल द्वार। तब हम जब शरीर छोड़ते हैं, यानी हम जब मर जाते हैं, तब हमारे प्राण कहाँ से निकलते हैं? इन नौ द्वार में से कोई भी एक द्वार से हमारे निकलते हैं। आँख से निक्षुभ है, दार और दार से जब स्वास्थ्य को अशुभ जाता है। चलिए करेंगे बाय प्रणायाम। हम रावण समाप्त करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करनी है, तीन बंध लगाएंगे, मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। मूल बंध एनासपाट को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, उद्यान बंध पेट को खींच के इससे लगाएंगे, जलंधर बंध होठी को कर्ण से लगाएंगे। सांस भरेंगे, सांस को बाहर ही छोड़ देंगे, फिर तीन बंध लगाएंगे, ठीक है? थोड़ा टाइम होल्ड करेंगे, 1 से 10 तक काउंट करके होल्ड करें, या 1 से 20 तक काउंट करके होल्ड करें, या जैसे भी आप लोग का ठीक समझे इसी तरह होल्ड करें। फिर जब सांस भरने की हो, ऊपर से बंद हटाएंगे, लेते वक्त नीचे से बंद लगाएंगे, छोड़ते वक्त ऊपर से बंद हटाएंगे और सांस लेंगे। चलिए करते हैं, दो टाइम कम से कम करते हैं, दो राउंड। फिर से एक बार रिलैक्स। अभी करेंगे अग्निशर क्रिया। अग्निशर क्रिया कैसे करेंगे? दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे। यह प्राणायाम आसन नहीं है, एक क्रिया है, पेट के लिए बहुत लाभकारी क्रिया है। अग्निशर क्रिया करने से हमारे पेट की जो चर्बी, मोटे मोटे चर्बी जो टाइट हो जाती है पेट, ये ढीला होती है और पेट संबंधी बीमारी के लिए भी लाभदायक है अग्निशर क्रिया। चलिए करते हैं, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ देंगे और पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। रिलैक्स। अभी करेंगे उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम सांस को खींचेंगे, अपने जो गले से सांस को खींचेंगे, सांस को खींच के थोड़ी टाइम होल्ड करेंगे। पहले जो हम लोग अभी बाह्य प्राणायाम किया, वो बाह्य प्राणायाम मधुमेह रोगी के लिए बहुत लाभदायक है बाह्य प्राणायाम। और अभी करेंगे उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। उज्जायी प्राणायाम सांस को भरेंगे, जैसे कि हम लोग ऐसा करके सांस को लंबी सांस लेंगे, भरेंगे। सांस भरने के बाद सांस को होल्ड करेंगे। होल्ड करके जिन लोगों की हाई बीपी नहीं है वो जलंधर बंद लगाए, और जिन लोगों को हाई बीपी नहीं है, जो हाई बीपी है वो ना लगाए, और जिन लोगों की हाई बीपी नहीं है वो ही बंद लगाए जलंधर बंद। थोड़ी टाइम होल्ड करें, फिर जब सांस छोड़ने की हो, दाएं हाथ की थंब फिंगर से दाएं नासिका को बंद करें और बाएं से सांस को बाहर छोड़े। चलिए करते हैं दो बार टू राउंड।
और एक बार करेंगे। उज्जैन प्राणायाम थायराइड के लिए तो बहुत लाभकारी है, इसके अलावा भी गले संबंधी जितना भी रोग है धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। हकलाना, तुतलाना, सोते वक्त खर्राटे लेना, सभी धीरे धीरे कम होने लगती है रोजाना उज्जैन प्राणायाम का अभ्यास करने से। अभी करेंगे मुख्य प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को योग का माता माना गया है और कपालभाति प्राणायाम को योग का पिता माना गया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के मुख्य प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करनी है, दाएं हाथ की थंब फिंगर से दाएं नसिका को बंद करेंगे और जो रिंग फिंगर है उसे बाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को भरेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर बाएं को बंद करके दाएं से सांस को छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे बाएं से छोड़ेंगे, इसी तरह करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा घुटने पे रखें, बाएं हाथ बाएं घुटने पे रखें और दाएं हाथ से अनुलोम विलोम प्राणायाम का शुरुआत करेंगे। चलिए करते हैं। लंबी सांस भरे धीमी गति से, धीमी गति से लंबी सांस छोड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम से जैसे कि हमारे शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ी है सारी एक्टिव हो जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करने से। मानसिक तनाव कमती है, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि का समस्या का भी समाधान होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। मुख्य प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, सभी करते जाए, आनंद के साथ करे, भक्ति भाव से करे, ईश्वर को शरण करते हुए करते जाए। मुख्य प्राणायाम है, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांस संबंधी जितने भी रोग है सारे धीरे धीरे ठीक होती है, पर्याप्त मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। दिल और दिमाग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने के कारण हमारे दिल और दिमाग शांत होती है। कोई भी काम करने से, कोई भी निर्णय लेने से, कोई काम का सही ढंग से हम लोग ले सकते हैं क्योंकि हमारे दिल और दिमाग शांत रहता है। चलिए करते हैं, सभी करते जाए, आप लोग करते जाए और मैं बोल रही हूँ मेरे बात आप लोग सुनते जाए। निरंतर करे, लंबी गहरी सांस भरे, धीमी गति से लंबी गहरी सांस छोड़े। सांस भरते वक्त मन ही मन सोचे हम हमारे अंदर ईश्वर की दिव्य शक्ति पर प्रवेश कर रही है, और सांस छोड़ते वक्त मन ही मन सोचे कि हमारे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है सारे सांसों के साथ धीरे धीरे बाहर निकल जा रही है और हम स्वस्थ हो रहे हैं। करते जाए भक्ति भाव से, आराम आराम से ईश्वर का शरण करते हुए करें। हमारे सांसों की डोरी ईश्वर के हाथों में ही है, इसलिए निरंतर भक्ति भाव से करें, आनंद के साथ करें। प्राणायाम, हमारे प्राण को आयाम आराम देने के लिए हम लोग करते हैं प्राणायाम, इसलिए ऐसा कुछ ना करें जी हम अपना शरीर को कष्ट पहुंचे। हमारे शरीर को कैसे आराम पहुंचे, कैसे हम शरीर से बीमार से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं प्राणायाम आसन। इसलिए आराम आराम से सभी करते जाए, भक्ति भाव से निरंतर आनंद लेते हुए करते जाए। सभी करें निरंतर। हम पहले बताए थे हमारे कितने नाड़ी है और मुख्य नाड़ी कौन कौन सी है और हमारे 9 द्वार है, इसके बारे में बताए। अभी हम बताएंगे चक्र के बारे में। हमारे शरीर में 8 चक्र है लेकिन ज्यादा हम लोग महत्व देते हैं 7 चक्र पर। 7 चक्र कौन कौन सी है, गुदा मूल में जहाँ में हमारे रीढ़ के हड्डी के एंडिंग पॉइंट है गुदा मूल, वहाँ है मूलाधार चक्र और मूलाधार चक्र की कलर है रेड लाल, उसका बीच मंत्र है लम। जब हम लोग चक्र को जागृत करते हैं बीच मंत्र उच्चारण करके ही करते हैं, जैसे कि लम है मूलाधार चक्र की बीज मंत्र लम लम, ऐसे करके हम लोग
जागृत करेंगे एक ही से किस बार एक एक मंत्र को जाप करके। इसके बाद है स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र की ऊपर और नाभि के कुछ नीचे है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र की कलर है ऑरेंज कलर, संतरा कलर, और उनका बीच मंत्र है वम। इसके बाद है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र के स्थान है नाभि में और उसका कलर है येल्लो पीला, और उसका बीच मंत्र है रम। इसके बाद है अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हमारे बीचों बीच हृदय के बीचों बीच होता है अनाहत चक्र, उसका कलर है ग्रीन कलर, उसके बीच मंत्र है यम। इसका बात है विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र होता है हमारे गले में कंठमूल में, और इसका कलर है स्काई ब्लू आसमानी कलर, उसके बीच मंत्र है होम हविंद हम। और इसका बात है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र होता है हमारे दो आईब्रो के बीच होता है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के कलर है नीला, और इसका बीच मंत्र है आपका सम। इसके बाद है स्तन चक्र, अश्वस्थान चक्र के कलर है ब्रिंजल कलर, इसके बीच मंत्र है ओम। जब हम लोग चक्र को जागृत करते हैं बीच मंत्र को एक ही से किस बार बीच मंत्र को उच्चारण करके चक्र को जागृत करते हैं। चलिए अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम समाप्त हुआ, अभी करेंगे हम लोग भ्रामरी उद्गीत और ओम का ध्यान। भ्रामरी कैसे करनी है, दो थंब फिंगर से छोटी कान को बंद करेंगे, ज्यादा दबाएंगे नहीं, बंद करेंगे तर्जनी आईब्रो के ऊपर और बाकी तीनों उंगली आकर नाक के ऊपर, अपने जीभ जो है टंग है उसको तालू पर सटा के रखेंगे और मुंह बंद करके भक्ति भाव से तीन बार घुमर के गुंजने की तरह मधुर आवाज में ओम के उच्चारण करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से इंसोमनिया, जिनके नींद की समस्या है, उसकी समाधान होती है, और जो हमारे थॉट वगैरह आती है ये सब के लिए भी धीरे धीरे राहत मिलती है भ्रामरी प्राणायाम से। ये करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। रिलैक्स, आंख बंद रहेगी, आंख बंद रहेगी, दोनों हाथ घुटने पे ज्ञान मुद्रा में लाए। अभी करेंगे उद्गीत प्राणायाम, लंबी उच्चारण करेंगे ओम की तीन बार। चलिए करते हैं, सांस भरे लंबी सांस, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रहेगी, अभी करेंगे ओम का ध्यान। शरीर को ढीला छोड़े, पेट को भी ढीला छोड़े, लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े, बिना आवाज की साउंडलेस ब्रीथिंग। हम इतने टाइम जितने भी प्रणाम किए हैं इससे हमें बहुत लाभ मिला है, बहुत फायदा हुआ है, ये मन में सोचिए।
हम सांस लेते वक्त हमारे अंदर ईश्वर की दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है, और सांस छोड़ते वक्त हमारे अंदर जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जितने भी दुष्ट बीमार है, सारे सांसों के साथ धीरे धीरे बाहर निकल जा चुका है। हमारे शरीर हो चुका है स्वस्थ निरोग। हमारे अंदर जो 72 करोड़ नस नाड़ी है, इसमें से 3 मुख्य नाड़ी है, एरा, पिंगला और सुषुम्ना। बाएं नसिका है एरा नाड़ी और दाएं नसिका है पिंगला नाड़ी और बीच का है सुषुम्ना नाड़ी। तो हम जो भी देव देवता देव देवता को पूजन करते हैं, उनका शरण करते हुए हमारे जो तीनों नाड़ी है उसको क्लियर करेंगे। कैसे करनी है? पहली मन मेहमान सोचे हमारे बाएं ना की एरा नाड़ी के जितने भी बाधाएं हैं, जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जितने भी हमारे दुष्ट बीमार है, सारे पृथ्वी तत्व पर विलीन कर दे। हे धरती माँ, हमारे बाएं साइड की एरा नाड़ी की जितनी भी बाधाएं है, विपत्ति है, जितनी भी दुष्ट बीमार है, सारे आप अपने तरफ खींच ले, पृथ्वी तत्व पर विलीन कर दे। हमारे शरीर 5 तत्व से बनी है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। पृथ्वी तत्व पर हमारे बाएं साइड की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, सारे धरती माता अपने तरफ खींच ले, पृथ्वी तत्व पर विलीन कर दे, और हमारे बाएं साइड की जो एरा नाड़ी है उसको स्वस्थ कर दे। फिर दाएं साइड की जो पिंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी की जितनी भी बाधाएं है, जितनी भी दुष्ट बीमार है, जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, सारे आकाश तत्व पर विलीन कर दे। हे देवी माँ, हमारे दाएं साइड की जितनी भी बाधाएं है, विपत्ति है, दुष्ट बीमार है, सारे आकाश तत्व पर विलीन कर दे। फिर जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी एरा और पिंगला की घर्षण में, जैसा हम लोग अनुलोम विलोम किया है, उसमें जो घर्षण हुआ है, घर्षण के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो चुकी है। सुषुम्ना नाड़ी के जितनी भी बाधाएं है, विपत्ति है, जितनी भी दुष्ट बीमार है, सारे वायु तत्व पर विलीन कर दे। हमारे तीनों नाड़ी के जितनी भी बाधाएं, विपत्ति है, दुष्ट बीमार है, सारे तीनों तत्व पर विलीन हो चुका है। हे देवी माँ, हमें स्वस्थ और निरोग बना दे। ईश्वर ने हमें मनुष्य रूप पर धरती पर भेजा है, इसलिए पहले धरती माता को धन्यवाद दे, क्योंकि हम धरती माता के गोद में बैठे हुए ओम का ध्यान कर रहे हैं। धन्यवाद दे भगवान को, ईश्वर को, जो हमें मनुष्य रूप में इस धरती पर भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए। धन्यवाद दे अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोष कर इतनी बड़े किए हैं। इसलिए आज मैं आप लोग के सामने बैठे हुए आप लोग के साथ जो प्रणाम करने में समर्थ हूँ। फिर धन्यवाद दे अपने गुरुजनों को, जिन्होंने हमें शिक्षा दिया है, स्कूल की शिक्षा हो, कर्म की शिक्षा हो, योग की शिक्षा हो, जो भी शिक्षा हो, हम गुरु से प्राप्त किए, इसलिए गुरु को धन्यवाद दे जो उन्हें हमें ज्ञान बताया है। धन्यवाद दे प्रकृति को, जिन्होंने हमें प्रकृति के जो जो चीज हमें मिलनी है सारे हमें मिल रही है, इसलिए हम स्वस्थ और निरोग हैं। धन्यवाद दे अन्नपूर्णा माता को, जिन्होंने हमें अन्न अन्न दे रही है, तो अन्न लेके ही हम जीवित हैं। अभी दोनों हाथ को एक साथ रगड़े, रगड़ते दोनों गर्म हथेलियों को अपने बंद आंखों पर लगाए, धीरे से दोनों आंख खोले, अपने चेहरे को स्पर्श करे, सारे शरीर में अपने दोनों हाथ की ऊर्जा को फैला दे। अभी करेंगे चक्की आसन, प्रणाम कराउन समाप्त, दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर को खोल के, दोनों पैर में गैपिंग, दोनों हाथ को लॉक करें और चक्की चलाएंगे 5-5 टाइम्स। जिन लोगों की हर्निया की प्रॉब्लम है आगे की तरफ, जिन लोगों की कमर दर्द है वो आगे की तरफ ना झुके, जिन लोगों के हर्निया की प्रॉब्लम है वो पीछे की तरफ ना झुके। 1 2
वो फाइव एंटी क्लॉकवाइज फाइव फोर थ्री टू वन। अभी करेंगे क्रॉस वन टू, जब जो हाथ पीछे तरफ जाएगी दृष्टि पीछे तरफ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। रिलैक्स। अभी करेंगे आसन, पहला आसन मुंडूकासन। धनुरासन में बैठा, एक एक पैर करके पैर को फोल्ड करेंगे। पहले दाएं पैर फोल्ड किया, इसके बाद बाएं पैर फोल्ड करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, जो वज्रासन हम लोग खाना खाने के बाद बैठते हैं, एकमात्र आसन है खाना खाने के बाद करने वाली आसन वज्रासन। वज्रासन में खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट तक बैठने से हमारे पाचन अच्छा से, खाना अच्छा से डाइजेस्ट होती है और गैस एसिडिटी की समस्या के समाधान होती है वज्रासन में बैठने से। चलिए अभी करेंगे मुंडकासन, जो मधुमेह रोगी के लिए रामबाण आसन है मुंडकासन। जिन लोगों के मधुमेह प्रॉब्लम है सुबह शाम, लेकिन खाली पेट ही करे सुबह शाम, मुंडकासन का अभ्यास करने से धीरे धीरे कम होने लगती है। दोनों हाथ को मुट्ठी बनाएं, जैसे कि हम लोग पहले किए थे सूक्ष्म व्यायाम पर। दोनों हाथ को मुट्ठी बनाएंगे, दोनों हाथ के रिंग फिंगर को एक साथ टच करेंगे और नाभि के सामने रखेंगे। इसी पोजीशन में लंबी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ के आगे की तरफ झुक जाएंगे, दृष्टि सामने और कपालभाति प्राणायाम करेंगे 10 टाइम्स। वन सांस भरते हुए वापस, फिर से एक बार करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ देंगे, आगे की तरफ झुकेंगे और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। होते हुए वापस, फिर बाएं हथेली पर दाएं हथेली, पेट को थोड़ा दबाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, फिर आगे की तरफ झुकेंगे पेट को दबाते हुए। कपाल भाती प्राणायाम कर भी सकते हैं या होल्ड करें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब दाएं हथेली पर बाएं हथेली पेट पर रखेंगे, नाभि पर रखेंगे और पेट को दबाएंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ देंगे, फिर आगे की तरफ झुक जाएंगे और कपालभाति प्राणायाम करें 10 तक, या 10 तक काउंट करके होल्ड करें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सांस भरते हुए वापस आ जाए। अभी करेंगे शशकासन। शशकासन हमारा जो गुस्सा चिड़चिड़ापन भय आदि से छुटकारा मिलती है शशकासन प्राणायाम से, मन में भक्ति भाव और शांत प्रदान होती है। कैसे करनी है शशकासन? सांस भरते हैं दोनों हाथ धीरे, नीतम धीरे से सटी रहेगी, धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ नीचे, मस्तक जमीन पर टिकाए, पूरी समर्पण भाव से भक्ति भाव से। हे देवी माँ, हमारे शरीर के जितने भी विकार हैं सारे ठीक कर दे देवी माँ। सांस भरते हैं वापस, फिर से एक बार सांस भरते हैं पीछे की तरफ, सांस भरते हैं धीरे धीरे आगे, हाथ की कनिया जमीन पर टिकी रहेगी, मस्तक जमीन पर टिके रहे। वन वापस। अभी करेंगे
बक्रासन इसका बात करेंगे, कुंभकासन। बक्रासन कैसे करनी है, एक एक पैर करके दोनों पैर को आगे की तरफ खोल ले, दाएं पैर को फोल्ड करें, बाएं जंघे के पास लेके आए, इसी पोजीशन में दाएं पैर फोल्ड किया, दाएं हाथ पीछे और बाएं हाथ से पैर के पीछे से घुमाते हुए लाके बाएं पैर के घुटने को पकड़ने की कोशिश करें, दाएं हाथ पीछे, गर्दन भी पीछे की तरफ मुड़ी हुई रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम विधि दूसरी पैर से करेंगे, बाएं पैर फोल्ड करके दाएं जंघे के पास लाएंगे, बाएं पैर फोल्ड किया, हाथ पीछे, बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ को पैर के पीछे से मुड़ते हुए लाके घुटने पर टिकाए, दृष्टि पीछे की तरफ, गर्दन मुड़ी हुई पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पेट की चर्बी घटने में भी लाभकारी है वक्रासन, हमारे शरीर मोचड़ जाती है इसके करने से, बहुत रिलैक्स मिलती है शरीर में। अभी करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन कैसे करनी है, बाएं पैर को फोल्ड किया, बाएं पैर की एड़ी में भी बैठ सकते हैं या नितंब के सामने भी पैर को रख सकते हैं। जैसे कि हम बाएं पैर की एड़ी में बैठ गया, बाएं पैर के ऊपर इसी पोजीशन में बैठे, दाएं पैर ऊपर, दाएं हाथ ऊपर से नीचे से बाएं हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करें इसी पोजीशन में। इसी पोजीशन में पकड़ने की कोशिश करें और दृष्टि सामने रख के थोड़ी टाइम होल्ड करेंगे, दृष्टि सामने थोड़ी टाइम होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम विधि दूसरी हाथ से करेंगे, पहले एरी पर बैठ के किया और अभी एरी को पैर को नितंब के पास ही रखेंगे, दोनों पैर ऐसा, बाएं पैर ऊपर, अभी बाएं हाथ ऊपर, नीचे से दाएं हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, दृष्टि सामने थोड़ी टाइम होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किडनी के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये गुम आसन। अभी करेंगे पीठ के बल लेट के करने वाले आसन करेंगे। पीठ सॉरी सॉरी पेट के बल लेट के करने वाले आसन करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ को स्टैंड बना ले, अपने चीक पर लगाए, हाथ तो एक एक पैर उठाएंगे, नितंब से टच करेंगे एरी, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, 3, 4, 5, दोनों पैर से करेंगे एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5। अभी दोनों हाथ पैर के नीचे, अभी करेंगे मकरासन। मकरासन क्या, अभी करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ छाती के सामने, सांस भरते धीरे धीरे उठेंगे, छाती तक उठेगी, दृष्टि ऊपर, थोड़ी टाइम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार सांस भरेंगे ऊपर, भुजंगासन। 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, अभी नाभि के नीचे के हिस्से तक ऊपर उठेगी, 1, 2, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए
नीचे, फिर से एक बार करेंगे, सांस बटे ऊपर, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी दोनों हाथ दोनों पैर उठेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी दोनों हाथ कंधे के बराबर रहेगी, सांस भरते हुए ऊपर, दाएं तरफ मोड़ेंगे, बाएं पैर के एड़ी को देखेंगे, फिर गर्दन घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार सांस भरे ऊपर उठाएं, बाएं तरफ मुड़ेंगे, दाएं पैर के एड़ी को देखेंगे, फिर गर्दन घुमाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार सांस भरे ऊपर, बाएं तरफ मुड़ेंगे, बाएं पैर को एड़ी को देखेंगे, गर्दन मुड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। सेम विधि एक बार करेंगे, फिर रीढ़ के हड्डी के लिए बहुत लाभदायक। अभी करेंगे दोनों हाथ जंगे के नीचे, तलवारासन, बाएं हाथ बाएं जंगे के नीचे, दाएं हाथ दाएं जंगे के नीचे, सांस भरेंगे, अपने चीक जमीन पर सटी रहेंगी, हुई रहेंगी, सांस भरते एक एक पर ऊपर, 1 2 3 4 5, दूसरी पैर से करें, 1 2 3 4 5, अब दोनों पैर से एक साथ करें, जिन लोगों के कमर में ज्यादा दर्द है वो दोनों पैर से एक साथ कोई भी व्यायाम ना करें, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अभी पीठ के बल लेट के करने वाले आसन करेंगे, बाएं तरफ करवट लगे, पीठ के बल लेट जाएं। करेंगे मरकट आसन, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे एक साथ, दोनों हाथ कंधे के बराबर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते दाएं तरफ पैर को फोल्ड करेंगे, फोल्ड और दृष्टि बाएं तरफ, जिस तरफ पैर को फोल्ड करेंगे ऑपोजिट दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस होते वापस। कमर दर्द के लिए रामबान आसन है मरकट आसन, सेम विधि दूसरी तरफ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी घुटने पे एरी, एरी पे घुटना, दृष्टि ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये मरकट आसन की दूसरी विधि, फिर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी मरकट आसन की तीसरी स्टेप, दोनों हाथ कंधे के बराबर फैली हुई रहेगी, सांस भरेंगे, दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर धीरे धीरे दाएं हाथ को, दाएं पैर को बाएं हथेली पर रखेंगे, दृष्टि ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे पैर को वापस, फिर बाएं पैर से करेंगे सेम विधि, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर को दाएं हथेली पर, दृष्टि ऑपोजिट, 1 2 3
10 धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। अभी करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों हाथ को लॉक किया, अपने पैर को उठाया, सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती से नासिका से टिकाएंगे। सांस भरते हुए पैर को उठाया, 1 2 3 4 5। दूसरी पैर से करेंगे सेम विधि। वन टू थ्री फोर फाइव। दोनों पैर से करेंगे सेम विधि करेंगे दोनों पैर से। वन टू थ्री फोर फाइव। फिर से एक बार करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। अभी दोनों साइड मूवमेंट करेंगे। कमर के लिए लापेड़ी है। अभी करेंगे अर्धहलासन। दोनों पैर दंडासन में खोल लेंगे। दोनों हाथ शरीर के सामने सीधी रखेंगी, सांस भरते धीरे धीरे ऊपर पैर को अर्धहलासन। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैर को फिर नीचे। फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर अभी अर्धहलासन क्या भी करेंगे, पूर्णहलासन। जिन लोग सकते हो ही करे, जबरदस्ती कोई ना करे, कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया पूर्णहलासन। अभी करेंगे सर्वांगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी करेंगे पद्मासन। गोल गोल गोला बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। उसी पे से करेंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। अभी साइकिलिंग चलाएंगे। साइकिलिंग की पैडल घुमाएंगे लेटे लेटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ओके करेंगे। अभी सांस में लेट जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के चेंज दूरी, दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट की फासला। आंखें बंद, मन शांत, गर्दन को सीधी रखें। लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़ें। पूरा रिलैक्स।
आंखें बंद, मन शांत। अपने शरीर को शिथिल करें, अपने मन को भी शिथिल करें। मन की आंखों द्वारा अपने शरीर के प्रत्येक अंग को देखने की प्रयत्न करें। फिर से अंगली से लेके अपने सिरे तक प्रत्येक अंग को देखें, निहारें। इस स्थान में सूजन है, दर्द है, उस स्थान को सहलाएं, आराम रहित अवस्था में लाएं। हम अभी कर रहे सवासन, सब आसन, सब की तरह हमारे शरीर जमीन में पड़ी है, सिर्फ हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। ना हमारे कोई चिंता है, ना परेशानी है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई बीमारी, कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। हमारे चारों ओर ईश्वर की दिव्य शक्ति मंडा रही है, चारों तरफ ईश्वर की दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है। सारे शरीर में भगवान की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। ईश्वर हमारे सामने खड़े होकर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कितने रिलैक्स, कितनी शांति, कितनी सुकून हम महसूस कर रहे हैं। हम सिर्फ एक आत्मा है, आत्मा अमर अजर है, लेकिन जब हमारे शरीर बेकार हो जाएगी तब आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के चली जाएगी। इसलिए हमें हमेशा योगाभ्यास करें, संतुलित आहार खाए और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखें। पैर पैर की अंगुली से धीरे धीरे दृष्टि लेते हुए अपने सिर तक जाए, सिर के सिरे तक जाए। सिर के सिरे से फिर धीरे धीरे दृष्टि नीचे की तरफ ले आए। हमारे शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ निरोग हो चुका है, तनाव रहित, कितनी शांति, कितनी सुकून महसूस कर रहे हैं। शांति शांति शांति। अब तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ रगड़ेंगे, गोड़ों हथेली को अपने आंख पे चेहरे पर लगाएंगे, सारे शरीर पे लगाएंगे। बाएं दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और बाएं करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। सिंहासन, सिंहासन करने के लिए बाजासन में बैठेंगे। दोनों हाथ इसी पोजीशन में रखेंगे, दृष्टि भूमि पर रहेगी, आंख बड़ी बड़ी करके दृष्टि भूमि पर रहेगी। अपने टांग को बाहर निकलेंगे और सिंह की तरह गर्जन करेंगे। काली बदन, धोलो बदन और शांति और हर्षासन। ताली बजाएंगे, दोनों आपके आंगले को इसी तरह खोल लेंगे और ताली बजाएंगे जोर जोर से। दोनों हाथ के तभी लाल
हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा मिलती है और सभी बीमारी से छुटकारा करेंगे। बोलम फादर दोनों पैर को इसी तरह उठाए, दोनों पैर के शरीर पर हमारे शरीर के सारे वजन हमारे पेट उठा दीजिए, पेट जो है वो भी करना है, सभी बोर्ड ध्यान रखना है और पेट को भी हमारे होने लगती है और हमारे बीच मन प्रफुल्ल होती है, हमेशा आनंद के साथ जीते हैं। चलिए दिल खोल के झूमते हैं सभी के शांति शांति पाठ करेंगे और समापन करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा छाती के साथ लाएं, ओम चले भगवान शांतो निरामया सर्वे दुखे ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रसद शांति वनस्पत शांति दिश्य देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्याम शांति देवी ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब निरोग रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए सभी जिंदगी बिताए। ओम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से धन्यवाद आनंद मोहन सिद्धिया जी को और आदरणीय आनंद मोहन सिद्धिया जी को और आदरणीय राजे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ बहुत ही सुंदर तरीके से आपने छोटे छोटे प्रयोग और थोड़े से समय में बहुत कुछ आपने बताने का प्रयास किया, बहुत सुंदर तरीके से। जिनके जिनके वीडियो होने में देख भी रहा था, सब अच्छे से कर भी रहे थे। और नियमित अगर आप ये प्रयोग रेगुलर करते हो तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। समापन की ओर चलना है हमें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जवा मैडम आपका, हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े सभी के तरफ से और तीनों संस्थाओं की तरफ धन्यवाद से सर जी आपका बहुत आपको। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
अब हम स्लोगन के साथ समापन करेंगे। अशोक जी आप अपने आप धन्यवाद को धन्यवाद अनम्यूट सर जी। कीजिए। अशोक जी जैन जय जिनेन्द्र। करे योग रहे निरोग, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओमर हाँ।